सब जानता हूं, तुमने और तुम्हारी बेटी ने जो मेरे साथ खेल खेला है ना, सब जानता हूं। मुझे बेवकूफ समझती हो? मैंने हॉस्पिटल फोन किया तो उन्होंने मुझे बताया कि आपकी बेटी अपनी मर्जी से गई है, वरना हॉस्पिटल वाले तो चाहते थे कि वो दो चार दिन और वहां रुके। वो दरअसल मैं और भाभी ना थक बहुत गए थे, और सच बताऊं भाभी की तबीयत भी खराब हो रही थी, तो फिर नेहा ने कहा कि हॉस्पिटल से डिस्चार्ज लेके घर चले जाते हैं। अरे छोड़ो, तुम्हारी मिली भगत है, तुम क्या समझती हो मुझे? तुमने ही बहकाया उसे, तुम जानती थी कि मैं नेहा को घर लेके आऊंगा, तुमने उसको बता दिया और वो चली गई अपने ससुराल, बस। नहीं नहीं, मैंने कोई साजिश नहीं की, ना ही कोई मशवरा दिया है, आप यकीन करें मेरा। आप कोई भी कसम उठवा लें मुझसे। कसम खाने वाला तो होता ही झूठा है, और तुम भी झूठी हो। और तुम क्या समझती हो कि मैं उसे यहाँ लेके नहीं आऊंगा? मैं तो आज ही बात करने वाला था, बस किसी वजह से मैं रुक गया। मैं सारा दिन यही बात सोच सोच के परेशान रही कि अब आप कोई नया झगड़ा खड़ा कर देंगे। मेरा दिल तो बहुत चाह रहा था, लेकिन फिर मैंने देखा कि तुम्हारे भाई के चेहरे पे मुस्कुराहट है, मैंने सोचा इसकी मुस्कुराहट को अब उदासी में ना बदलूं। बहुत ख्याल रखता हूँ तुम्हारे भाई का, तुमसे ज्यादा। जी, और इस बात का अंदाजा भला मुझसे ज्यादा किसको हो सकता? तंज कर रही हूँ? देखो नाही, आज नहीं तो कल नेहा को मैं यहाँ लेकर तो आऊंगा ही आऊंगा। नेहा वहां खुश है महमूद? खुश नहीं है, वो ऐसे ही दिखावा कर रही है। वो कैसे खुश हो सकती है ये मुझे पता है। कैसे? बताऊंगा, बताऊंगा तुम्हें, वक्त आने पर सब बता दूंगा, जरा सब्र करो।